हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, जियो फोन का एक प्रॉब्लम है जिसमें बूटिंग अप हो रही है, बैटरी लगाने के बाद भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और बूटिंग अप प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम किस कारण से आ रही है वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में देखिए फ्रेंड, बैटरी मैंने लगा दी और देखिए यहाँ पे बूटिंग अप करके आ रही है और हमारा जो फ़ोन है ऑन नहीं हो रही है। कभी कभी फ़ोन ऑन हो भी जाती होगी, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड। तो ऐसा प्रॉब्लम आपका किस कारण से आ रही है वो मैं बताता हूँ आपको। ऐसा प्रॉब्लम जो आपका फ़ोन का स्टोरेज किसी भी ज़्यादा स्टोरेज भर जाने के कारण आपका जो फ़ोन हैंग हो चुका है फ्रेंड, जिस कारण से यहाँ पे नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो फ़ोन है ये सॉल्व होगा फ्रेंड। तो ये तो क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो कि बिना कंप्यूटर का आप नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बैटरी यहाँ पर लगाया और देखिए यहाँ पे तुरंत ही बूटिंग अप होने लगी फ्रेंड। तो मैं आज जो मैं बताऊंगा फ्रेंड, बिना कंप्यूटर बिना पीसी के इस प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो बूटिंग अप हमारा जो प्रॉब्लम आ ही रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम को इजीली मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, से इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते फ्रेंड। तो मैंने फिर से ऑन किया, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे बटन को टिपते हैं, जिससे कि टिपने के बाद यहाँ पे एक बार आपको फ़ोन नॉर्मली ऑन करना फ्रेंड, किसी भी तरीके से फ़ोन को ऑन करना। जैसे कि हमारा फ़ोन अभी ऑन हो चुका है, तो ऑन होता है, हैंग करके बंद हो जाएगा, लेकिन 5-10 मिनट 15 मिनट टाइम लगेगा फ्रेंड। कभी ना कभी एक बार ऑन होगा फ्रेंड। आराम से बटन को टिपना है और आराम से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ को करना है, उसके बाद जो है आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। ये वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है इस प्रॉब्लम के बारे में। मैंने पूरे यूट्यूब पर वीडियो छान मार ली, कहीं पर नहीं मिला और ये ट्रिक मुझे अचानक ही सॉल्व हुई है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर सेटिंग को खोजते हैं। तो इजीली यहाँ पे सेटिंग खोजते आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो भी सकती है फ्रेंड, ऐसा भी प्रॉब्लम आया फ्रेंड। मैंने 2-3 बार ऑन किया, उसमें भी मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो गया और मैं कर नहीं पाया। कोशिश करते करते लास्ट में जाकर सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस में जाना होगा। तो देखिए हमारा सेटिंग ऑन हो रहा है और यहाँ पर डिवाइस में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद डिवाइस आते आते हमारा फ़ोन कितने बार स्विच ऑफ हो गया वो मुझे भी नहीं पता। तो चलिए यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे लाएंगे नीचे और यहाँ पे देखेंगे रीसेट फ़ोन आपका जो दिखेगा, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एंड रीसेट नीचे वाले सबसे, तो इस फ़ोन को करेंगे रीसेट, पूरा बैकअप रीसेट हो जाएगी, उसके बाद जो आपका फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको करते हैं ओके और आपका फ़ोन है रीसेट हो जा रही है पूरी सेटिंग वोटिंग ले देखिए, तो पूरा स्टोरेज खाली हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका फ़ोन इजीली फिर से नया की तरह चलने लगेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट हो रही है और आपका जो है फ़ोन फिर से नया रूप में और नया की जैसा चलने लगेगा फ्रेंड। तो चलिए, इसमें आपको दुकान जाने की, किसी दुकान को 100-200 या 250 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। नॉर्मली इस प्रॉब्लम को इजीली घर में आप सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करने का ज़रूरत है फ्रेंड। इसके बाद नहीं होती तो दुकान वाला तो आपका है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जियो फोन ऑन हो रही है और इजीली ऑन हो जाएगी कुछ देर में, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते फ्रेंड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आपका भी हो सकता है फ्रेंड, ऐसे कोशिश करते रहिएगा। 100% ट्रिक मैंने बताया हूँ आपको। तो चलिए फ्रेंड, इंग्लिश को नेक्स्ट करके यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और सारे सेटिंग को ये करते हैं फ्रेंड। तो एग्री कर देते हैं फ्रेंड, उसके बाद सारा चीज़ को एग्री, नेक्स्ट सारा चीज़ को नेक्स्ट कर देंगे फ्रेंड और इजीली आपका जो फ़ोन पूरी नया सेटिंग के साथ आपका फ़ोन जो है चालू हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैंने चालू कर लिया, ओके बटन से पासवर्ड खोल लिया हूँ और ये जो मॉडल है न्यू मॉडल है जियो का। तो चलिए यहाँ पे बैटरी खोल के भी दिखाता लगा के, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, ऑन नहीं हो रही ऑटोमेटिक, सारा प्रॉब्लम हमारा जो है सॉल्व हो चुका है फ्रेंड। अब मैं ऑन करता हूँ फ़ोन को
और दिखाते हैं आपको चालू करके। देखिए फ्रेंड, जियो फोन हमारा ऑटोमेटिक ऑन ले लिया है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट। जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलते हैं फ्रेंड। Bye.